नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 11 दिसंबर 2020 है। 11 दिसंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 97,95,000 तक चला गया। इनमें 92,88,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना टेस्टिंग लगातार जारी है। अब तक 15 करोड़ से अधिक लोगों की कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। कोरोना के दो मरीजों की मौत भागलपुर में इलाज के दौरान हो गई। मृतकों में दोनों बांका के हैं। इधर भोजपुर में कोरोना के 6 नए संक्रमित मिले हैं। वहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,827 हो गया। गोपालगंज में गुरुवार को 14 नए कोरोना संक्रमित डिटेक्ट हुए हैं। इस प्रकार वहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,671 हो गया। अभी जिले में 110 मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बिहार से राज्यसभा के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। 12 दिसंबर को राज्यसभा सदस्यता की वे शपथ लेंगे। उन्हें शपथ भारत के उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू दिलाएंगे। आज का दिन लालू प्रसाद यादव और राजद के लिए खास है। झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसको लेकर आज राजद समर्थकों को उम्मीद जगी है। मालूम हो कि चारा घोटाले सहित कई अन्य मामलों में सजा काट रहे लालू यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई है। आज बिहार के करीब 35,000 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि इमरजेंसी और कोरोना जांच के साथ संक्रमितों के इलाज का काम देखा जाएगा, लेकिन ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप रहेगी। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ IMA ने हड़ताल का आह्वान किया है। यह हड़ताल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। मोकामा में नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने शादी के मंडप में कार घुसा दी और 4 को रौंद दिया। यह घटना दरियापुर मेन रोड की है। इस घटना में 2 की मौत हो गई। इस घटना से पूरे दरियापुर में मातम छा गया। सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और उसकी पत्नी रजनी प्रिया की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई। उसका 155 स्क्वायर फीट में बने 3 मंजिला मकान को जब्त कर लिया गया है। इसी प्रकार जब्ती चलती रहेगी। यदि 6 महीने के अंदर मुख्य आरोपी उपस्थित नहीं हुए तो उनकी जब्त संपत्ति को नीलाम कर दी जाएगी। यह कार्रवाई CBI कोर्ट के आदेश के बाद की गई। जब्त मकान का रिसीवर स्थानीय थानेदार को बनाया गया है। सिवान में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मारे गए युवक का नाम अनूप बैठा बताया गया। वह अपने पड़ोस में एक तिलक समारोह में गया था। हथियारों ने उसे वहीं से खींचा और लाठी से पीट पीट कर मार डाला। अनूप की खता इतनी ही थी कि वह गांव के ही एक लड़की से प्यार करता था। लड़की के पिता और उसके परिजनों ने घटना को अंजाम दी है। बात पुलिस तक पहुंच गई है। आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। बिहार में ऑनलाइन म्यूटेशन में काफ़ी गड़बड़ी है। अब इसमें सुधार की कवायद शुरू कर दी गई है। ऐसा इसलिए कि ऑनलाइन म्यूटेशन में कर्मियों ने घोर अनदेखी की है। इसके सुधार के लिए अब सरकार 15 दिनों का समय दे सकती है। अगर इस बार 15 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो कर्मियों की उदासीनता मानकर उन पर सरकार कार्रवाई भी करेगी। पटना में बदमाशों ने गुटखा व्यवसायी मुकेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना भगत सिंह चौक के पास घटी बताई जाती है। हमलावर रिक्शा पर सवार होकर आए थे। आते ही मुकेश से झंझट करने लगे और गोली चला दी। गांव में कहां शराब बिक रही है वहां की सूचना अब चौकीदार को देनी होगी, क्योंकि चौकीदार को सारी जानकारी रहती है, उसे शराब की भी जानकारी रहती है। अगर कहीं शराब पकड़ा गया तो चौकीदार भी नपेंगे। अब जमीन की नापी में कड़ी जरीब की जरूरत नहीं होगी। अब मशीन से जमीन की मापी होगी। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। अमीन भी अब गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। इस मशीन का नाम ETS मशीन है। रोहतास के कोचस से बक्सर के मंझड़िया गांव में तिलक चढ़ाने आए युवक की हत्या रोड रेज में कर दी गई। 2 युवकों को गोलियों से जख्मी कर दिया गया। 2 कारों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अब घटना बताते हैं। एक कार मंझवड़िया आई, सामने से आ रही एक बाइक सवार को डिस्टर्ब हो गया। उससे तूतू मैमें हो गई, फिर चले गए। कुछ देर बाद बाइक सवार 1 दर्जन से अधिक बाइकर्स लेकर आए और तांडव शुरू कर दिया। बक्सर में राजद नेता संतोष भारती के पुत्र चंदन कुमार भारती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना शरीमपुर की है। मामले को पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया है।
दरभंगा से रांची जा रही बस बाराचट्टी में एक खड़े ट्रक से टकरा गई। इस घटना में एक यात्री की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वाली यात्री मधुबनी की महिला है, उसका नाम झमेली देवी बताया गया। उधर गोपालगंज में सदोवा रामपुर के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गए, एक की मौत हो गई, वह ट्रक का चालक था। ये दोनों घटनाएं धुंध के कारण घटी बताई जाती है। मुजफ्फरपुर के अबुचक गांव में नील गाय का उत्पात काफी बढ़ गया है। उससे बचने के लिए एक किसान ने खेत में बिजली का करंट प्रवाहित तार बिछा दिया। इस चपेट में नील गाय क्या फंसेंगे, एक वृद्धा फंस गई और मर गई। इस घटना से काफी हंगामा मच गया। आरा के वामपाली में हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आने से 25 वर्षीय डंपर चालक जीवन तिवारी की मौत हो गई। उधर नड़ियाडीह गांव में भी विद्युत अस्पृश्याघात से 26 वर्षीय राम कुमार चौधरी की मौत हो गई। बेगूसराय के रानी टोला दियरा निवासी राम बाबू राय की पत्नी मालती देवी की मौत तेघरा के राज हंस कोल्ड स्टोरेज के पास सड़क दुर्घटना में हो गई। वह बाइक पर सवार होकर जा रही थी, बाइक उसका पति स्वयं चला रहा था, ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी। अब खबरें करियर की। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 3,917 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होने जा रही है। बताया जा रहा है कि कुल पदों में से 2,045 पदों पर इंजीनियरिंग तथा 1,872 पदों पर पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नियुक्ति होगी। गैर शैक्षणिक पदों में सबसे अधिक 1,240 कर्मशाला अनुदेशक बहाल होंगे। इनमें 639 इंजीनियरिंग और 601 पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहाल होंगे। इन संस्थानों में 41 पद पुस्तकालय अध्यक्ष के भी हैं, इन पदों पर भी बहाली होगी। ये सभी बहाली कर्मचारी चयन आयोग अथवा तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से लेने पर विचार किया जा रहा है। आप तैयार हो जाइए, आने वाले समय में हम आपको इस खबर को प्रमुखता से बताएंगे। तब तक आप अपने सारे प्रमाण पत्रों को दुरुस्त कर लीजिए। जहाँ आपको उलझन महसूस हो वहाँ आप हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए सवाल भी रख सकते हैं। आपको आगे और बता देते हैं, ब्यूरो ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सीबीआई, विदेश मंत्रालय, सीजीए, सीजीडीए, कस्टम एक्साइज में भी 4,726 पदों के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। ये सभी पद केंद्रीय विभागों में हैं। ये पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट एवं पोस्टल असिस्टेंट। अब खबरें मौसम की। बिहार में ठंड लगातार बढ़ रही है, सर्द हवाएं चल रही है, यह हवा अभी रहेगी, सुबह कोहरा भी रहेगा। पटना के विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे मौसम में किसी तरह के बदलाव नहीं होने के आसार बताए हैं, आंशिक बारिश के भी आसार बताए गए हैं। जानकारों का मानना है कि आगामी 15 एवं 16 दिसंबर काफ़ी ज़्यादा सर्द होगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों से पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी तेजी से उठने के आसार हैं। इस तरह अगर विक्षोभ उठा तो आगामी 17 से बिहार में कड़ाके की सर्दी होगी। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।